is happening and in the close radius of the line of actual control, and this 21-day exercise is aimed at enhancing understanding, cooperation and interoperability between the armies of both countries. Now this essentially becomes important in terms of ties between India and the United American forces भारत में लैंड कर चुकी हैं और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर यानी कि हिमालयन रेंज के अंदर जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है हमारी स्पेशल फोर्सेस के साथ और चाइना के पेट में जितना दर्द हो रहा है तो दो तीन महाजों पर हमें लग रहा है कि चाइना जो है वो अब जरा थोड़ा मुश्किल सिचुएशन में है। देखिए कि अगर चाइना इसी तरह एक एक्सपेंशनिज्म करता रहेगा तो वी मस्ट रेज दीज इश्यूज विच आर दी अंडरबेली ऑफ चाइना एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दी यूगर इश्यू विल पिक अप एज वेल। अच्छा तो आपको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इसी से रिलेटेड के चाइना जो है वो कॉर्नर हुआ नजर आ रही है। लेकिन हम सब से कहते हैं कि चाइना को कभी ट्रस्ट मत करो, है ना? लेकिन हमने जो अभी यूएस में एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि चाइना एज अ थ्रेट, अभी अब हम चाइना से ऐसा इंगेज न जस्ट मुलाकात तो चीनी राजदूत के साथ थी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात को लेकर चीनी राजदूत ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा। नमस्कार दोस्तों, अब जो इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान हुआ था ना, उससे ऐसा लगता है कि चाइना को ये लगा कि काश ये ना हुआ होता, क्योंकि उसके बाद जो इंडिया कभी भी इतना अग्रेसिव स्टांस एलएसी पर नहीं लेता था, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना और इंडिया की बॉर्डर है, वहां पर इंडिया कभी भी इतना सख्त अग्रेसिव स्टांस कभी नहीं लेता था। ये गलवान होने के बाद इंडिया ने यहाँ पर डेवलपमेंट में तेजी कर ली, मतलब आप समझ सकते हो कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से बढ़ाया। उसके अलावा देखो तो इंडियन आर्मी की वहां पर मौजूदगी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गई। इस वीडियो में आप देखोगे कि वहां पर इंडिया और इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी की यहां पर ड्रिल भी हो रही है, मतलब ट्रेनिंग भी हो रही है, आप कह सकते हो कि युद्ध अभ्यास भी हो रहा है। ये सारी चीजें इनफ होती है सामने वाले कंट्री को कहने के लिए कि भाई आपको जो करना है करिए, हम तैयार है आपके इस हर एक्शन के लिए। अब देखिए कि उसके बाद जो है वो चाइना कई बार हमको कह चुका है कि भाई थोड़ा इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, लेकिन नहीं, इंडिया अपने स्टांस पर बना हुआ है कि भाई जब तक इस चीज का सॉल्यूशन नहीं आता हम कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे। इवन इंडिया ने तो डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं रखी चाइना की, अगर आपको चाइना जाना है तो कहीं वाया होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। अमेरिकन फोर्सेस भारत में लैंड कर चुकी हैं और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर यानी कि हिमालयन रेंज के अंदर जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है हमारी स्पेशल फोर्सेस के साथ। जब गलवान हुआ था तब यही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चाइना की जो फोर्सेस थी उनकी हालत खराब कर दी थी। ये तो वहां पे महीना महीने वहां पे रह सकते हैं पहाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों में, ठंड में, लेकिन वहां पे चाइनीज जो थे सोल्जर्स उनके नाक में से ठंड के कारण खून निकलना शुरू हो गया था, इतनी बुरी हालत थी। रोते थे कि हमें यहां पर डिप्लॉय ना किया जाए। और भारत ने इसी स्पेशल जो फोर्स है इसको बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है, लेकिन अभी अमेरिकन के लिए खोल दिया। और ये जो फोर्स है ये डेवलप भी CIA के साथ मिलकर 60s के दौर पर इसे तैयार किया गया था तिब्बतंस को एम्प्लॉय करके, और अभी ये जॉइंट एक्सरसाइजेस करने वाले हैं कहां पर? हिमालयन रेंज में, बिल्कुल वहां पर जहां से चाइना सीधा दिखता है। और क्या चाइना को दर्द नहीं होगा? इसके बाद दर्द हो रहा है और उन्होंने तो दो तीन महाजों पर हमें लग रहा है कि चाइना जो है वो अब जरा थोड़ा मुश्किल सिचुएशन में है। देखिए, which means that there is an understanding between the Americans and the Indians के अगर चाइना इसी तरह एक एक्सपेंशनिज्म करता रहेगा तो वी मस्ट रेज दीज इश्यूज विच आर दी अंडरबेली ऑफ चाइना एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दी यूगर इश्यू विल पिक अप एज वेल। अच्छा तो आपको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इसी से रिलेटेड के चाइना जो है वो कॉर्नर हुआ नजर आ।
जो अभी यूएस में एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि चाइना एज अ थ्रेट, अभी अब हम चाइना से ऐसा इंगेज ना करें तो कभी कोई भी चाइना को अभी टैम नहीं कर सकता, और उनका द्वारा पूरा विश्व में जो थ्रेट वो महसूस कर रहा है उसके द्वारा जो हमारे अभी जो मैंने जो कहा था कि रे स्ट्रेटेजाइज किया है कि हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस ऑफ टिबेट कितना महत्वपूर्ण है। तो जो अभी यूएस एक्ट अभी जो कांग्रेस में पास हुआ उसके लिए काफी तिब्बती और हमारे सहयोगी ने अंदर काम किया, हमारे जो सहयोगी यूएस जो कांग्रेस में है उनसे भी हमें बात रखा, इंटरनली बात रखा, तो हमें ये लगा कि इस मुद्दा को उठना चाहिए। तो मुलाकात तो चीनी राजदूत के साथ थी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात को लेकर चीनी राजदूत ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमने चीन भारत संबंधों और साझा हितों के बाकी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चीन भारत संबंधों के विकास को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पक्ष के साथ काम करने के लिए तत्पर हूँ। कुल मिलाकर ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि एलएसी पर विवादों को सुलझाने के लिए से पंगा लिया जाए, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि भारत भी रेडी हो गया है चाइना को तंग करने के लिए, क्योंकि चाइना हमें तंग कर रहा है पाकिस्तान को यूज करके जम्मू एंड कश्मीर में, हमने उन्हें तिब्बत में तंग करना शुरू कर दिया। अब चाइना जो हमारे अंदर इंटरफेयर कर रहा था, यानी कि भारत ने डायरेक्टली चाइना के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और जो तिब्बत पॉलिसी जो बनी है अमेरिका के अंदर अभी यूएस पार्लियामेंट में पास हुई है, दोस्तों ये इतनी छोटी मूव नहीं है। जो काम 1972 से बिल्कुल ठप पड़ा था ठंडे मस्ते में, उसको दोबारा से उजागर कर दिया गया है, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। अब भारत ने डायरेक्टली चाइना और यूएस का जो डिस्प्यूट है तिब्बत का, उसके अंदर एंट्री ले ली है। वो कैसे? सबसे पहले परमिशन दे दिया इनके लॉ मेकर्स को, भारत में आइए दलाई लामा से मिलिए। आपको लगता है ये छोटी मूव थी? नैन्सी पेलोसी जैसी लेडी आकर यहाँ पर बात करती है और उसे दलाई लामा को खुद बोलती है कि अब आपका मैटर हम इंटरनेशनल फोरम्स में उजागर करेंगे, हिंदुस्तान की हेल्प की। बिगेस्ट थिंग्स इंडिया हैज एट द मोमेंट इज दैट इट्स अ बिग इकोनॉमी, it could be an alternative to the Chinese powerhouse workforce. आपने देखा जैसे कि जो chips का जो China में या Taiwan में बनते हैं, there are talks about relocating that to India. I think before the elections Tesla was thinking of making a factory over there. Apple has already been there. So, ye jo, and it has a lot of money to spend. You know, whether we like it or not. जी, sorry to interrupt you. ये जो आप बात करें, इसमें अमेरिका की तरफ से दो तीन steps ऐसे लिए गए, जैसे कि अभी ये कल की खबर है जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अब जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनको रिफ्यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने के साइंस सब्जेक्ट्स में ये नहीं आए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, लैब्स में काम ना करें। कर्ट कैंबल सेक्रेटरी डेप्टी सेक्रेटरी स्टेट जो है उनकी तरफ से बकायदा ये पूरे एक लॉन्ग उन्होंने कन्वर्सेशन की जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो साइंस में उनको लेकर आए अमेरिका, और जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनको अब जगह साइंस में नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है सर, मतलब चाइना के खिलाफ है ये। इसका अल्टीमेटली फायदा इंडिया को मिल रहा है लेकिन चाइना के खिलाफ स्टेप है ये। देखिये, दिस हैज बीन एन इश्यू ऑन द माइंड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड